ये है दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी केबल कार। और मेरे पीछे जो सारी सीढ़ी देख रहे हो ना भाई, ये 999 999 सीढ़ी है। ये चढ़ के पूरा ऊपर जाना है भाई। अप्रैल 2023 की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर चार लोग भाई ग्रुप सुसाइड किए थे, डायरेक्ट यहाँ से नीचे कूदे थे 1400 मीटर नीचे, 1.5 किलोमीटर यहाँ से डायरेक्ट नीचे कूदे थे। और ये पूरा डिस्टेंस भाई 7500 मीटर है, 7.5 किलोमीटर है। यू हैव बीन टू इंडिया? चलिए भाई हम चलते हैं हेवन गेट की तरफ। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। बीमार होने के बाद तकरीबन भाई 4-5 दिन आराम करने के बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अलग प्रोविंस में। इस वक्त मैं सेंट्रल चाइना के एक प्रोविंस हुनान प्रोविंस के कैपिटल ज़ेंगजियाजी में हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, ये मेरा हॉस्टल है और यहाँ का जो सारा नज़ारा है ना भाई, ऐसा लग रहा है जैपनीज स्टाइल आर्किटेक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। मैं जापान तो गया नहीं, लेकिन भाई जापान की जो स्ट्रीट वगैरह वीडियोस देखा हूँ, ये बिल्कुल वैसा लगा। और अगर ये प्रोविंस के बारे में बात करें तो यार, ये पहाड़ों से घिरा हुआ और इतने ज़्यादा खूबसूरत पहाड़, इतना ज़्यादा अच्छा लैंडस्केप है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ना भाई अवतार मूवी के बारे में सुने रहेंगे। हाँ, अवतार मूवी की शूटिंग हुई, वो आप लोगों को मैं कल लेके जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को भाई यहाँ के तियानमेन माउंटेन्स, तियानमेन मतलब हेवन होता है, हेवन माउंटेन्स दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे खूबसूरत है। और यार ये देखिए, ये है मेरा हॉस्टल, इसका नाम है अवतार हॉस्टल। और देखिए भाई, हॉस्टल निकलते साथ यहाँ पर केबल कार देखने मिल रही है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार है। तकरीबन भाई 7-7.5 किलोमीटर लंबा, ये डायरेक्ट पहाड़ पे जाती है। बस ये बिल्डिंग जो देख रहे हो सब घर वगैरह के पीछे ही पहाड़ है, बहुत मजा आने वाली है। और यार मैं हॉस्टल पास में इसीलिए लिया हूँ तियानमेन माउंटेन के, ताकि भाई सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट मैं चले जाऊँ। बस यहाँ से 300 मीटर दूर जाऊँगा, वहाँ पर है भाई तियानमेन माउंटेन की एंट्री। टिकट निकालते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आने वाली है। यार यहाँ का जो वाइब है यार, बिल्कुल अलग सी यार, खुशी हो रही है भाई ये जगह पे आके, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही जैपनीज। और यहाँ पर देखिए सारे लोकल लोग बैठे हुए हैं और ये लोकल घर वगैरह चाइना के हर रीजन में ऐसा देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा अलग वाइब है यार, बहुत मजा आएगी यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए यार उतना ज्यादा डेवलप नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक चाइनीज लाइफ देखने मिलेगी। देखिए यहाँ के लोकल लोग कुछ गेम खेल रहे हैं, अच्छा पत्ता खेल रहे हैं, क्या बात है यार। और देखिए छोटी छोटी नॉर्मल यहाँ की किराने की दुकान वगैरह। पीछे आप देख सकते हो जो पहाड़ देख रहे हो, वही है तियानमेन माउंटेन्स, माउंटेन ऑफ हेवन। तो वहाँ चलने वाले, लेकिन मैं आप लोगों को सोचा थोड़ा यहाँ का दिखा दूं। यहाँ देखिए भाजी वगैरह मिल रही है यार, ऐसी कुछ हलचल है यहाँ ज़ेंगजियाजी हुनान प्रोविंस में, बहुत ही ज्यादा अलग वाइब आ रही है लिटरली भाई, इतना खुशी हो रही है ना। और भाई इतने दिन बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 5 दिन भाई आराम करना पड़ा, बीमार था। आप लोगों का अगर तिब्बत वाला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को मालूम होगा। और देखिए भाई ऐसी कुछ हलचल है यहाँ की। यार फिर से लगा लिया हूँ कैप। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हरदम कैप क्यों पहने रहते हैं, कैप उतार दो। तो यार ट्रैवलिंग करते करते बाल खराब हो जाते हैं भाई, बढ़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए भाई सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ना कि भाई टोपी पहन लो और निकल जाओ, नहीं तो फिर बाल देखते रहो वीडियो में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, वो अलग सेल्फ ऑब्सेशन रहती है। तो इसकी जगह ना भाई कैप पहन लो, सबसे सही रहता है। और ये यार नजर बार बार मुझे इस पे जा रही है, केबल कार जो यहाँ से आ रही जा रही है। देखिए बस सामने ही है मेरा हॉस्टल और पीछे के व्यू देखो भाई, मैं तो अभी देख रहा हूँ यार। रात में आया था तो भाई वो सारे पहाड़ के व्यू नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी दिखने कितना ज्यादा सही लग रहा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं तियानमेन माउंटेन की तरफ और एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है। और यहाँ के नजारे देखिए, यहाँ भी आप लोगों को भाई पुराना चाइनीज स्टाइल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, पुरानी पुरानी गाड़ियां ऐसी खड़ी है भाई। चाइना के दूसरे रीजन में ऐसा पार्ट नहीं देखने मिलता यार, ऐसी चीजें देखने नहीं मिलती है। और यहाँ पर ना भाई मसाज सेंटर बहुत सारे हैं यार, चाइना में ऐसा दिखता नहीं यूजुअली। यहाँ पर मैं रात में आया तो सब मसाज सिला रहे थे। और यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट वगैरह देखने नहीं मिल रहे, क्योंकि ये सीजन नहीं है मेरा ख्याल है, इसलिए ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने नहीं मिलेंगे। यार देखिए हम ये स्ट्रीट से निकल के इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर सारी पुरानी टाइप की बिल्डिंग है और यहाँ देखिए चाइनीज स्टाइल ये दीवार वगैरह बनी हुई है, और उस तरफ सारी लंबी बिल्डिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने मिल रहा है। तो यार देख के ऐसा लगता है ना कि भाई चाइना जो पिछले 30-40 साल में काम किया है ना, कि मतलब जो छोटे छोटे घर है ना वो हटा के सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। यार ये काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, मतलब आप कोई भी रीजन में जाओगे चाइना के, कितना भी अलग कितना भी रिमोट रीजन में जाओगे, वहां पर आप लोगों को नई नई बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग ऐसे देखने मिलेगी। देखिए केबल कार की एंट्री देखिए यहाँ पर ही है, केबल कार यहाँ से चल रही है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई टिकट कितने की आती है। टिकट तो मेरा ख्याल है भाई महंगी आएगी। और यहाँ देखिए सड़कें देखिए ना भाई, रोड कितने ज्यादा साफ होते हैं। और ये रोड को देख के ऐसा लगता है ना कि भाई ये कोई रोड नहीं है, ये ऐसा लग रहा है वो गली का हिस्सा है और या फिर ये घर का पार्ट है, जहाँ पर आप लोगों को ऐसी टाइप की टाइल्स देखने मिलेगी। और देखिए कुछ तो खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है और 4D पेंटिंग है भाई। हाँ सामान देखिए, ढोल इसका आगे है। सुबह सुबह नाश्ता वगैरह आपको करना है, छोटे छोटे ठेले लगे रहते हैं, लेकिन भाई इसमें मीट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हॉट डॉग जैसा कुछ है और ये कुछ फ्राई कर रहे हैं ऐसे अंकल, सस्ता होता है काफी भाई। भाई सामान लोग ऐसे रोड से तो काफी सस्ता होता है भाई, 5 यून 6 यून में आप नाश्ता कर सकते हो, मतलब 100 रुपए के अंदर आप नाश्ता कर लोगे। लेकिन यार थोड़ा सा इश्यू होता है कि वो मीट होती है और वो सारी चीज होती है,
तो देखिए सामने केबल कार की बिल्डिंग है, तो वहाँ कैसे जाना है वो देखते हैं और वहाँ पर पहुंचते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ से क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना है। देखिए यहाँ से रोड क्रॉस करना है। देखिए भाई हर बाइक पे ना आप लोगों को ऐसा ये देखने मिलेगा, क्योंकि भाई ठंडी बहुत ज्यादा चल रही है चाइना में, तो ये लगाते भाई ताकि हाथ और सीना बचे ठंडी से। ओए भाई आराम से कर दे। देखिए यहाँ पर ना ऐसे फ्रूट ना हर जगह ना आप लोगों को औरतें बेचती हुई दिखेगी। छोटा छोटा देखिए संतरा है, इतना बड़ा बड़ा संतरा है और बड़ा वाले भी है। और देखिए भाई इनकी चाय है कि इनका काढ़ा है ये। ना ना शेषे यार ये क्या करते हैं भाई, सूप वगैरह बहुत पीते हैं सुबह नाश्ते में, कुछ भी डालते हैं और उसको पानी में डाल के सूप बना देते हैं। यहाँ से एंटर करना है हमको तियानमेन माउंटेन के लिए। तो यार देख सकते हो यहाँ सारा कुछ टिकट के बारे में लिखा है। टिकट देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 275 की है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई ऊपर जाने के लिए शायद केबल कार लगेगी और बस भी देख सकते हो यहाँ से जा रही है। तो देखते हैं भाई टिकट हमको कितने की मिलती है भाई। यूजुअली फॉरेनर्स को थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। चाइना में कैसा है कि भाई फॉरेनर्स रहे चाहे लोकल रहे सबको एक ही प्राइस है। तो इंडिया में भी कैसा है कि भाई अगर ताजमहल की टिकट निकालना है तो फॉरेनर्स की भाई 1500 की आती है और लोकल की भाई 50-60 रुपए की आती है। तो ये काफी अलग सिस्टम है, लेकिन चाइना में वैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई इंडिविजुअल टिकट लिखा हुआ है, टिकट निकलवाते हैं अंदर से। आ गए हैं हम टिकट निकालने, और यहाँ पर अगर आपको टिकट निकालना है ना तो भाई आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। ओके 275 की टिकट आ रही है। ओके मैं ऑनलाइन कर देता हूँ भाई, मेरे पास कैश ज़्यादा नहीं है। देखिए भाई खाली इसको स्कैन करना है और 275 तकरीबन 3000 के ऊपर होते हैं, 3000 रुपये की टिकट आई है। और यहाँ पर पासपोर्ट लगते हैं, क्योंकि भाई पासपोर्ट नंबर लेते हैं और फिर पासपोर्ट नंबर से सारा कुछ मैच करते हैं, तो भाई टिकट दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 283 कट रहा है भाई, ये देखिए कुछ ट्रांजेक्शन फीस भी लग रही है। हो गया पेमेंट सक्सेसफुल। ओके देखिए भाई आ गई हमारी टिकट, ये कुछ ऐसी टिकट दिखती है। और बस 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 आउटसाइड। ओके तो भाई आगे से वहाँ से बस मिलेगी। तो यार टिकट तो काफ़ी ज़्यादा महंगी आई है, 3000 कुछ रुपए की आई है, तो भाई ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव हो गई है। तो यहाँ पूछना पड़ेगा भाई ये कहाँ से मुझे बस मिलेगी। अनिहाओ बस 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 हियर। ओके छे तो भाई इस तरफ से हमको मिलेगी हमारी बस। जो बस मिलेगी केबल कार मिलेगी यहाँ से, क्योंकि भाई हम तो केबल कार से जाने वाले हैं ना, ऊपर बस क्यों देखना है। तो यार को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दिस लाइन। ओके ये लाइन में भाई लाइन लगाना है यहाँ। तो यार ये जो सारे टूरिस्ट देख रहे हो ना आप, ये लग रहे चाइनीज़ है लेकिन भाई ये साउथ कोरियन टूरिस्ट है। तो यहाँ से भाई बस से भी जाने का रास्ता है और यहाँ से केबल कार से भी। भाई केबल कार कितनी महंगी टिकट लिए नहीं आओ। मैं तो जैसे बोला था भाई ये तो चाइनीज़ नहीं है, लेकिन मैं इनको निहाओ क्यों बोल रहा हूँ, तो इनकी भाई लैंग्वेज में हेलो कैसे बोलते हो तो मुझे मालूम नहीं। अब जाएंगे वहाँ पर तो मालूम पड़ेगा। तो भाई देखिए सारा कुछ सिक्योरिटी चेक करा के अंदर यहाँ पर हम जा रहे हैं केबल कार टिकट गेट। तो यहाँ पर चलते हैं। और जो मेरे आगे मैं आप लोगों को बोला था ना कि भाई यहाँ पर साउथ कोरिया के बहुत सारे गेस्ट आते हैं, साउथ कोरिया के नहीं वो थाईलैंड के थे। जैसे ही मैं देखा ना उनका पासपोर्ट तो मैं बोला सवादी खा, ये थाई में हेलो होता है। तो बोले सवादी खा, तुम्हें कैसे मालूम है तुम पहले थाईलैंड आ चुके हो क्या। बोला मैं थाईलैंड बहुत बार जा चुका हूँ। तो ऐसे देखे भाई, तो बोला भाई नहीं यार मैं गरीब आदमी को छोड़ो यार मैं ब्लॉगर हूँ, बाकी लोगों को ऐसा नहीं, मैं खाली वीडियो बनाने गया था और घूमने गया था। चलिए भाई बैठते हैं केबल कार में। ओए भाई ये तो चल रही है। तो यार हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है यार, और ये आप लोगों को बता दूं भाई बहुत खूबसूरत होने वाली है। और देखिए भाई व्यू, और आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये भाई वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। ये केबल कार पे हमको आधा घंटा लगने वाला है और तकरीबन 7.5 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, 7.5 किलोमीटर। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारे दिखाता हूँ। मैं अभी आप लोगों को मिलाता हूँ जो हमारे साथ में आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में दिखाया था। ये देखिए ये है। हेलो व्हाट इज द नेम? माय नेम ए ए सो तिला, यू आर फ्रॉम थाईलैंड? आई एम फ्रॉम थाईलैंड। व्हिच पार्ट? आई हैव अ नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ओके सो यू हैव बीन टू इंडिया? Have been to India many, many times. I love India from the Jaipur, Agra and Kashmir and have Taj Mahal. Have you been to Mumbai, my city? I'm from Mumbai. Ah, you're from Mumbai. Maybe yes. Next time. After this, I'm going back to Thailand. Which part do you go? I've been to Bangkok, Pattaya and in the south. Phuket, Krabi, yeah. Those places. Yeah, I like it. You never been to Thailand? Chiang Mai, Chiang Rai. I want to visit there. Yeah, I will visit now. Guys. So, आप देख सकते हो यार बहुत ही अच्छे। मुझे लगा था कि भाई ये साउथ कोरिया से, लेकिन ये है थाईलैंड से। और अभी हम भाई कहाँ ट्रैवल करके जा रहे हैं आप देख सकते हो, कहाँ से चले हैं पहाड़ जो देख रहे हो उसके पीछे से स्टार्ट किए थे हम जर्नी। और हम जा रहे हैं देखिए कहाँ पर, ये पूरा पहाड़ होके ना एकदम ऊपर जाना है। तकरीबन जैसा कि आप लोगों को बताया 7.5 किलोमीटर हम ट्रैवल करने वाले हैं।
देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि पहाड़ के ऊपर तक हमको चढ़ के जाना है वो पॉइंट तक। यहाँ देखिए आप लोगों को एक छोटा सा स्टेशन जैसा मिला है, अब यहाँ से हमारी गाड़ी वापस कंटिन्यू करेगी। यो भाई बाप रे बाप फास्ट हो गया था। तो अब दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई है वही केबल कार से, हम रुके नहीं है, उतरे नहीं है, और हम जहाँ से आए हैं वो तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे, इतना दूर चले गया। देखिए अब यहाँ से हमको नीचे होके वापस ऊपर जाना है। देखिए यार यहाँ पर ऐसा सीन हो गया ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, पूरा शहर से भाई समझ सकते हो कई किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और आपको पहाड़ भी नहीं दिखेगा भाई, इतने ज्यादा कोहरा वगैरह है। और अभी भी जर्नी देखिए थोड़ी बाकी है, अच्छे अच्छे खासे लोग की भाई हालत खराब हो जाए, आप नीचे कुछ देख नहीं सकते हो ज्यादा। यार केबल कार से एक जर्नी कंप्लीट करके ऊपर आए हैं भाई, यहाँ पर आते साथ ना ठंडी अलग लेवल की बढ़ गई है, और यहाँ से मेरा ख्याल है भाई एक और केबल कार कुछ लेना है। यहाँ का माहौल ऐसा कुछ है, ये सारे कुछ देख रहे हो ना, मेरा ख्याल है चाइना के नहीं कहीं बाहर के टूरिस्ट है। तो देखते हैं यहाँ से केबल कार कहाँ मिलेगी, सारे लोग तो यहाँ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, चलिए देखते हैं उस तरफ क्या है। ओ भाई पत्थर देखिए, ओ भाई साहब क्या व्यू है यार यहाँ से, क्या बात है, क्या खूबसूरत है। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि अभी ठंडी का टाइम है ना, इसलिए कोहरा बहुत ज्यादा है, क्लियर कुछ दिख रहा नहीं है, लेकिन पहाड़ देख सकते हो। अभी ये अभी डेस्टिनेशन नहीं, हमको बहुत ऊपर जाना है यहाँ से, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। और यहाँ से देख सकते हो सारी केबल कार नीचे से कहाँ से आ रही है भाई, ये यहाँ से होके ना देखिए ये ऐसा होके फिर वो पहाड़ पे चढ़ती है, फिर उसके पीछे से हम वहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पर सारा मैप वगैरह बना हुआ है आपको अगर देखना है कि आप कहाँ हो। हाँ देखिए हम यहाँ पर है अभी, यू आर हियर, और ऐसा कुछ रास्ता है, हम देखिए वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ आए हैं, और इतनी सारी जगह है अभी हमको यहाँ जाना है। देखते हैं कहाँ मिलेगा भाई हमारा केबल कार। तो एक चीज तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि हेवन गेट पे जाना है, तो हमको ये वापस केबल कार लेके नीचे, देखिए हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरना है और बस लेके जाना है, फिर जो गेट है वो बस से जाना पड़ेगा वहाँ से, अलग सिस्टम है यहाँ पर। यार देखिए पीछे यहाँ केबल कार से उतरे हैं और अब हमको जाना है बस से तियानमेन माउंटेन जो गेट है, हेवन गेट। अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ का नजारा देखिए इतना ज्यादा खूबसूरत है, और ये इतनी बड़ी सीढ़ी है यार, कैमरे में शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा, और वो रहा सामने भाई हेवन गेट। मेरे पीछे जो सारी सीढ़ी देख रहे हो ना भाई, ये 999 999 सीढ़ी है, ये चढ़ के पूरा ऊपर जाना है, कैमरे में समझ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन काफी ज्यादा ऊपर है। और यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, बैठने की सारी चेयर मिल जाएगी, क्या नजारा है यार, मतलब बहुत मुझे अलग लगा, बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा। और अभी हमको चढ़ना है ऊपर वो पूरे स्टेयर चढ़ के, फिर उसके बाद और भी ऊपर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वहां पर देखने मिलेगी ग्लास ब्रिज, जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर वहाँ पर ग्लास ब्रिज भी है, देखते हैं भाई चालू है कि नहीं है। वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ क्या सीन हुआ था। ये क्या चीज है यार भाई, चाइना में ना यार कुछ भी अलग अलग चीज देखने मिलती है, बस जैसा लग रहा है लेकिन दुकान है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भाई यहाँ पर भी वो ऐसी कुछ चीज लगी हुई है, देखिए छोटे छोटे स्टॉल भी है खाने वगैरह के लिए। चलिए चलते हैं, और यहाँ पर देखिए चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े में अगर आपको फोटो खिंचाना है तो लेडीज के लिए, देखिए यहाँ पर लेडीज फोटो खिंचा रही है चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े में। चलिए भाई हम चलते हैं हेवन गेट की तरफ, खूबसूरत सा झरना और सारी चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, मजा आने वाली है यार। और यहाँ पर देखिए भाई पहाड़ इन लोगों के लिए कुछ होली माउंटेन है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कुछ प्रेयर कर रहे हैं, कुछ अगरबत्ती जलाने के लिए ये बड़ा सा एक टीपॉट जैसा लगा के रखे हैं। देखिए यहाँ पर भी अगरबत्ती जली हुई है इनके लिए भाई, ये भी कुछ होली माउंटेन है, कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए भाई हम तो हमारा सफर स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, 999 1000 लगभग सीढ़ी चढ़ के। चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन उतरने में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से उतर जाएंगे। यार चढ़ाई ना काफी ज्यादा खड़ी है, और एक सरप्राइजिंग बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ना ऐसे बूढ़े लोग बहुत सारे देखने मिलेंगे। तो भाई बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं हर जगह भाई, चाइनीज के बूढ़े टूरिस्ट होते हैं ना भाई, वो अगर एक जगह पे गए हैं ना भाई हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। यार सही बता रहा हूँ, ये चढ़ाई बिल्कुल भी इजी नहीं है, 100 सीढ़ी जो है ना एक नॉर्मल फ्लोर जो होता है उसमें 18 से 20 सीढ़ी होती है, लेकिन ये जो सीढ़ी ना इसकी साइज ना बड़ी है भाई, मतलब एक फ्लोर में अगर 20 स्टेयर्स पकड़ते हैं, 20 स्टेयर्स होती है एक फ्लोर में, 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भाई 50 माला होता है, और ये नॉर्मल 50 माला नहीं है भाई, 50 माला 100 माले के बराबर है, तो 100 माले की चढ़ाई करना है। 20-25 मिनट हो गए मुझे, और देख सकते हो मैं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचा हूँ भाई, अभी थोड़ा सा बाकी है बस, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पर ना भाई ऐसी जगह बना के रखे हैं, थोड़ा सा स्टॉप लो, और देखिए भाई लोग कैसे रुक रुक के जा रहे हैं यार, हालत खराब हो जाएगी, अकेले एक साथ भाई कोई चढ़ ही नहीं सकता, सीढ़ी बिल्कुल ऐसी है। हर जगह पे ना भाई लिखा हुआ है डेंजरस स्टेयर्स, आराम से चढ़ो, मेहनत लगी लेकिन भाई डेफिनेटली वर्थ होगा। भाई अब चढ़ते हैं वापस, हमारा सफर कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैं थोड़ा सा। देखिए भाई हालत कैसे खराब हो रही है लोगों की, तो देख सकते हो बहुत मेहनत की चढ़ाई के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर इनका मंदिर जैसा कुछ है, देखिए यहाँ पर वो पैसा वैसा डाल रहे हैं, और यहाँ पर एक फ्रेंच आदमी की स्टोरी लिखी हुई है। जो पहाड़ देख रहे हैं ना भाई, ये बिना कोई हार्नेस बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट डायरेक्ट अपने खुद से चढ़ गया, उसके बारे में आज
स्टोरी लिखी है और ज्यादा कुछ यहाँ पर स्पेशल है ही नहीं भाई। मुझे लगा था भाई यहाँ पर ग्लास ब्रिज रहेगी, जो मैं फोटो देख रहा था भाई यहाँ का तियानमेन माउंटेन का, आप गूगल पे अगर डालोगे ना तियानमेन माउंटेन, आधी फोटो ना भाई ये हेवन गेट की रहेगी, आधी फोटो ना भाई वो ग्लास ब्रिज की रहेगी। मुझे लगा था कि भाई हेवन गेट चढ़ के ऊपर आऊंगा तो मुझे यहाँ पर ग्लास ब्रिज देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अभी मुझे वापिस पूरा, अगर वहाँ ऊपर जाना है तो वापिस पूरा नीचे उतरना पड़ेगा, वहां से फिर केबल कार लेना पड़ेगा, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। भाई जितना बीमार हो उतना ही ज्यादा चलना पड़ रहा है, हालत खराब हो गई यार इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते। 100 माला है तकरीबन, और आप देख सकते हो अभी 4 भी बज गए हैं, सनसेट 5 बजे का है, तो ट्राई करेंगे भाई नीचे उतरते हैं और देखते हैं अगर हुआ तो हम वहां जाएंगे, आप लोगों को ग्लास ब्रिज दिखाता हूं एकदम एच पे कोने पे, यार बहुत मस्त व्यू आएगा। लेकिन यार हम जाके नीचे आ गए तो देख सकते हो मैं नीचे उतर रहा हूं, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा नीचे उतर गया हूं, लेकिन मुझे अभी एक आदमी मिला वो बता रहे थे कि भाई ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो ग्लास ब्रिज है वो अभी बंद है, पता नहीं क्यों बंद करके रखे, तो इसलिए भाई मुझे वहां पर ज्यादा लोग देखने नहीं मिले, सारी भीड़ और सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। हम उतर गए नीचे और यार वो ग्लास ब्रिज बहुत मिस कर रहा हूं, यहां पर एक नकली ग्लास ब्रिज भी लगी हुई है। टेम्प्रेरी काम चला लो भाई। ये ऐसा लगा ना कि भाई ये जलाने के लिए रखी है कि भाई वहां नहीं जा पाए ना ये देख के जलो, तो यार कहीं और कभी और जाएंगे यार, लेकिन जाते तो बड़ा मस्त व्यू आता, बहुत मजा आती। लेकिन कल हम ट्राई करेंगे जो यहाँ अवतार माउंटेन से उसके पास भी जो ग्लास ब्रिज है वो बड़ी ग्लास ब्रिज है और मेन ग्लास ब्रिज है, ये तो यहाँ आए थे और यहाँ पर ग्लास ब्रिज थी तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देता, लेकिन वो अवतार माउंटेन के पास भी आप लोगों को ग्लास ब्रिज देखने मिलेगी। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि भाई ये दुनिया की सबसे लंबी केबल कार थी, हम उसको बैठ के भाई 7.5 किलोमीटर यहाँ पर आए। यहाँ पर देख सकते हो भाई खाने पीने के लिए बहुत सारे टेबल वगैरह लगे हैं, यहाँ पर 2 छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन यार दिक्कत ये है कि वो लोग समझते नहीं कि वेजिटेरियन चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा इशू होता है। ए भाई यहाँ पर भी ग्लास ब्रिज है, चल सकते कि नहीं है। तो यार हेवन गेट के एंट्रेंस से ऐसा घूम के यहाँ पर टिकट दिखा के मैं आया हूँ, यहाँ पे से जाना है हमको, नीचे उतरने के लिए जाना है या फिर ऊपर वापिस जा सकते हैं, तो देखते हैं यार अगर जाने मिल गया ऊपर तो वापिस जाकर ट्राई करेंगे। यार मिल जाए भाई ग्लास ब्रिज मजा आ जाएगी यार। यार आप लोगों को यहाँ का एक इंसिडेंट तो बताया नहीं, यहाँ एक बहुत ही बेकार और बहुत ही डिजास्ट्रस इंसिडेंट हुआ था, अभी बहुत रिसेंट की बात है भाई, अप्रैल 2023 की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर 4 लोग भाई ग्रुप सुसाइड किए थे, 4 लोग लिटरली भाई, आप सोच सकते हो क्या माहौल होगा, डायरेक्ट यहाँ से नीचे कूदे थे 1400 मीटर नीचे, 1.5 किलोमीटर यहाँ से डायरेक्ट नीचे कूदे थे, उसमें से भाई 3 आदमी थे एक औरत थी, तीनों आदमी कूद गए, बस औरत नहीं कूद पाई, उसको पकड़ लिए थे, लेकिन वो औरत बची नहीं, फिर भी मर गई, वो जहर खा के कूद रही थी, तो वो उसको बचाए लेकिन वो बच नहीं पाई भाई, बाकी 3 आदमी भाई डायरेक्ट नीचे गिर के मर गए। तो यार एक यहाँ पर बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ था, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। यार देख सकते हो वापस आ गए हम केबल कार स्टेशन पे, और फिर से आप देख सकते हो यार ये है दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी केबल कार लिटरली यार, और देख सकते हो कितनी सारी केबल है। अभी हम आधे रास्ते पे हम ऊपर से जाके आए हैं, ये पूरा डिस्टेंस भाई 7500 मीटर है, 7.5 किलोमीटर है, और पूरा ट्रेवल करने भाई 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, आप सोच सकते हो भाई केबल कार में 35 मिनट बैठना पड़ता है, और यार स्पीड देख के आप लोगों को लगेगा नहीं कितनी फास्ट चलती है, लेकिन यार काफी ज्यादा स्पीड में होती है ये देखिए, और कितनी सारी केबल कार है देखिए, लाइन से एक के बाद एक लगी हुई है। अब यहाँ से तो बीच का स्टेशन है, आप लोगों को मैं दिखाया हम ऊपर भी गए थे, देखिए ऊपर से आ रही है ये वाली जो केबल कार आ रही है। तो यार हम आए तो दूसरे केबल कार से थे, और ये दूसरी वाली है देख सकते हो, ये बड़ी वाली है, काफी ज्यादा बड़ी है, हम जिससे आए थे उसमें 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये वाली केबल कार में भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 26 लोग बैठ सकते हैं, तो यार साइज में ज्यादा डिफरेंस है यार, आप लोगों को अभी अंदर दिखाता हूँ मैं। हाँ भाई ये तो काफी ज्यादा बड़ी है यार, इसमें तो सीट लगी हुई है बहुत सारी, ये देखिए भाई ये केबल कार तो काफी ज्यादा सही में अलग है। तो आप देख सकते हो हम केबल कार से उतर गए हैं, और भाई हमको पता नहीं कौन सी एग्जिट पे उतारे हैं, ये तो भाई हम यहाँ से नहीं चढ़े थे, यहाँ से मेरा हॉस्टल दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर दूर, हम दूसरी वाली केबल कार से चढ़े थे जो जिसमें 6 से 7 लोग बैठ सकते थे, लेकिन हम आते टाइम 26 लोग वाली केबल कार में बैठ गए, इसलिए भाई देख सकते हो पता नहीं कौन सी एग्जिट पे उतरे, लेकिन व्यू तो काफी ज्यादा अच्छा है यार यहाँ पे, तो चलते हैं देखते हैं भाई यहाँ से फैसिलिटी है कि नहीं बस की उस गेट तक, या फिर 5 किलोमीटर कैसे जाना है वो सब पता लगाते हैं, अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। यार देख सकते हो हम बाहर निकल गए यार, ये सबसे मेन गेट है, यहाँ कितना ज्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर भी बना के रखे हैं, ये देखिए भाई यहाँ से पूरे पहाड़ का क्या व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो पीछे हमको वो हेवन गेट भी दिख रहा है यहाँ से, क्या बात है यार, हमारा वाला तो लग रहा है शायद दूसरा कोई नॉर्मल वाला गेट था, और यहाँ पे मुझे दूर पे देखिए यहाँ पे बस दिख रही है, तो शायद भाई वहाँ तक जाने के लिए बस फैसिलिटी अवेलेबल भी है, तो यार अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा है, नहीं तो फिर भाई शाम में फिर टैक्सी ढूंढो, टैक्सी से जाओ, और यहाँ पर ज्यादा गाड़ियाँ वगैरह दिख भी नहीं रही है। चलो भाई सही हो गया, ये बस वहीं जा रही है जहाँ से हम चले थे, तो यार टैक्सी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलते हैं भाई और खाने पीने का कुछ इंतजाम करते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। यार फाइनली वापस आ गए जहाँ से हम चले थे, देखिए वहाँ से हम एंटर किए थे, और यहाँ पर देखिए भाई शाम के टाइम का नजारा कितना ज्यादा अच्छा हो गया है, और देखिए सारे पीछे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पहले हॉस्टल जाता हूँ, पास में यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा चल के जाने में, तो चलते हैं भाई, तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा हॉस्टल जाने में,
तो हॉस्टल पहुंचता हूं और थोड़ा सा भाई फ्रेश होता हूं, थोड़ा सा आराम करता हूं 10-15-20 मिनट, फिर यहां खाने पीने का इंतजाम देखेंगे भाई कि क्या मिलेगा खाने पीने के लिए। कि भाई तकरीबन 2-3 दिनों का प्रॉपर खाना खाया नहीं हूं मैं, तो देखते हैं भाई यहां पर क्या मिलता है, मिल जाए यार खूब कुछ खाने के लिए। चलिए भाई हॉस्टल की तरफ चलते हैं हम। और ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, हम पहुंच गए हॉस्टल पे। देखिए ये वाली जो बिल्डिंग है वही मेरा हॉस्टल है, लेकिन अभी तक ये केबल कार बंद नहीं हुआ। अभी टाइम हो रहा है 5:47-48 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी केबल कार चला, लगता है ये 6 बजे तक चलता है। पूरा ऊपर तक चढ़ के आए हम लोग, पूरा ऊपर तक घूम के आए वहां तक। लेकिन यार यहां से भी कितना खूबसूरत लग रहा है यार शाम का टाइम, ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये स्ट्रीट यार जो जाते टाइम आप लोगों को दिखाया था बहुत खूबसूरत और मेरे को बहुत पसंद आई है, पता नहीं क्यों ये स्ट्रीट। तो चलिए बस ये देखिए सामने ये वाला हॉस्टल है मेरा, ये नहीं ये इसके पीछे वाला, ये वाला। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने कल देखा हम तियानमेन माउंटेन एक्सप्लोर करके वापस आए, और मैं आप लोगों को बोला था कि भाई थोड़ा सा चलते हैं हॉस्टल में आराम करके, फिर खाने पीने का जुगाड़ देखेंगे, खाने पीने का इंतजाम देखेंगे। लेकिन भाई कल भी खाने का जुगाड़ नहीं हो पाया, कल भी खाना नहीं मिला। तो हुआ कि मैं 7:15 बस जब नीचे निकला तो भाई पूरी दुकानें सब चीज बंद, ना रोड पे कोई है ना, मतलब भाई ये क्या सीन है, जैसा गांव में होता था ना आज से इंडिया में 20 साल पहले वैसा सीन है भाई। अंधेरा हुआ, पूरा रोड सन्नाटा, खाली, बहुत जल्दी सोते हैं यहाँ के लोग, वैसा कुछ सीन था। लेकिन 2-3 रेस्टोरेंट खुले हुए थे, तो मैं क्या सोचा भाई जाता हूँ भाई सुपर मार्केट से ब्रेड लेता हूँ, और यहाँ से ना भाई ये रेस्टोरेंट वाले को बोल दूंगा कि भाई मुझे अंडा बना के दे दो, बस 2 अंडा ऐसा फ्राई करके दे दो, मैं भाई ब्रेड से खा लूंगा काम हो जाएगा। तो मैं गया रेस्टोरेंट में भाई बैठा और मैं अंडा ऑर्डर किया, ऑर्डर करके भाई देखा सामने ना भाई चिपकली, कीड़े मकोड़े सब है। तो बोला भाई अब यार ये खा तो पाऊंगा नहीं, क्या करूं, लेकिन लेना पड़ गया भाई, ऑर्डर कर दिया। तो देख सकते हो भाई सारा वैसी वैसी फेंक दिया वहां पर, फिर उसके बाद भाई चिप्स और ओटमील और पानी पी के सो जाना पड़ा। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, ट्रैवलिंग का पार्ट है, ट्रैवलिंग का हिस्सा है। और देखिए भाई ये मेरा हॉस्टल, हॉस्टल तो नहीं बोलेंगे भाई, ये हॉस्टल के अंदर भी एक सेपरेट रूम रहता है। तो भाई मैं वाला रूम ले लेता हूँ, अभी बीमार हूँ, दूसरों को परेशान क्या करूँ। तो देखिए ऐसा कुछ रूम मिला जो कि काफी ठीक ठाक सा है यार, आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए भाई यहाँ बड़ा सा बेड है, चार्जिंग पॉइंट है, उसके बाद देख सकते हो टेबल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर अच्छा सा वॉशरूम है, देख सकते हो वहाँ पर हीटर है, यहाँ पर एसी लगी हुई, हीटर चालू है जिसमें, तो काफी ठीक ठाक सा है। और इसके मैं पे कर रहा हूँ सिर्फ 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में मिलेगा ही क्या यहाँ पर। और आप लोगों ने देखा भाई कल का दिन कैसा गुजरा, थोड़ा सा अनलक्की हो गया भाई, क्योंकि हमको ग्लास ब्रिज देखना था, ग्लास ब्रिज देख ही नहीं पाए, क्या कर सकते भाई। और जब मैं नीचे उतरा तो वहाँ लिखा हुआ था कि भाई ग्लास ब्रिज हम कभी भी बंद कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ सीन था भाई, मजा ही, नया एक्सपीरियंस हुआ, नई चीजें देखे भाई, चाइना के पहाड़ देखे हम, तो काफी अच्छा दिन गुजरा। अभी मैं जा रहा हूँ भाई अवतार माउंटेन देखने, वो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।